नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत से संबंधित विधिक प्रावधान एवं प्रक्रिया को। तो मित्रों, इसके लिए देखना पड़ेगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 उपधारा 1 को, जो संशोधित की गई है 2019 में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहले 438 का प्रावधान नहीं था, बाद में संशोधित किया गया इसको 2019 में। तो मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जिसको किसी अपराध में लगता है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। सबसे पहले तो सेशन न्यायालय में करेंगे, फिर विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, देखेंगे कि 438 एक में कि कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनमें ये धारा नहीं लागू होती है, यानी अगर आप पर आरोपित अपराध उन अधिनियम के अंतर्गत है तो फिर नहीं लागू होगी। जैसे है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके तहत मामला नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1986 के तहत मामला नहीं होना चाहिए। और ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए जिनमें जो है सजा का प्रावधान मृत्युदंड का दिया गया है। अगर ऐसे अपराध नहीं है तो आप अग्रिम जमानत के लिए सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकते हो। इसका आवेदन पत्र, जैसे बेल एप्लीकेशन तैयार करते हैं जमानत प्रार्थना पत्र, उसी तरीके से इसको तैयार करते हैं। और यदि अगर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है तो फिर आप उसको हाई कोर्ट में भी लगा सकते हो। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान क्या है और विधिक प्रक्रिया क्या है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।